आप लोग नहीं जानते हैं, अब तो उनका अपन भाषा बा, पावर बा, जौन मन करी तौन बोल दियन। अब तो एक दिन हमने को वो दिन कहें कि आप लोग पागल जैसे बात करते हैं, किसान के पागलों बनावे लगलन, किसान के मसीह। लेकिन इनकर कलम ऐसा बा हमारे डीएम साहब के ओहू के घटा देता, लेकिन जहाँ बढ़ावे के बा वहाँ नहीं खन कहता ना हमारे पास तो पावरे नहीं है, ये ऐसा डीएम बढ़। गोल लागत तनी भोजपुरिया समाचार में आप सभी के स्वागत बा। हम रोहित ओझा और आज हम पहुँचल बनी बक्सर के चौसा में, जहाँ मुआवजा के जमीन के लेके किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा बनी। ये लगातार सातवां दिन धरना हटे, आप देख सकते नहीं कि सात दिन से लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहा बनी। धरना प्रदर्शन कहाँ कहते बटे रवा के पूरा भोजपुरी समाचार बताई कि कहाँ कहते धरना प्रदर्शन कल गिल बटे, धरना प्रदर्शन कल गिल बटे चौसा पावर प्लांट में पाइपलाइन और रेल कॉरिडोर के लेके जमीन के मांग कल गिर वाला किसानन से। किसान के जमीन के जन पैसा बटे वो इन लोग के अनुसार नहीं मिलत, 2013 के अनुसार लोग के पैसा मिलल बटे। आ किसान चाहत रहे कि 2022 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन मिलो, इन लोग के मुआवजा मिलो, और वही के लेके लगातार सात दिन से यहाँ सब लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठल बनी। और लगातार सात दिन से कभी सीओ के, कभी एजा के सांसद के, तो कभी विधायक के लगातार पुतला दहन हो रहा बटे, लेकिन बाद भी केहू संज्ञान निकलत। लगातार किसान एजा भूखे प्यासे बैठल रहतन, अपन मांग के लेके पूरा दिन बैठल रहतन, लेकिन केहू एजा सूद बूद लेवे खातिर नहीं आवत, नहीं पर कोनो चर्चा केहू करते। एक पहले कुछ प्रशासन आई रहन बातचीत हो रहा, अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा जी आई रही एजा बातचीत कैनी, अभी बातचीत से कुछ हल नहीं निकलल। तो हमने के एजा बातचीत कल जी जौन एजा धरना प्रदर्शन करे वाला कार्यकर्ता बनी चाहे किसान बनी, किसानन से हमने के पूछल जी किसानन के का मांग बाटे हमने के पता कल जी। भोजपुरिया समाचार में और स्वागत हो भैया, ये बताई कि रवा एगो किसान बानी और आज रवा धरना प्रदर्शन लगातार सात दिन से रहो सब करते हैं, का मजबूरी बटे धरना प्रदर्शन के लेके? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप पिछले दिन भी रवा सब के बहुत बहुत धन्यवाद। रवा पिछले बार कल के जो संकलन कल बनी न्यूज, किसान के बात आवाज़ बहुत बेहतरीन ढंग से दिले बनी, जरा खातिन हमने के हलादित बनी जा रउआ खात राउर शुक्र गुजार बनी जा। ये बताई कि धरना प्रदर्शन सात दिन से हो रहा बा, का रहा सबको मुआवजा के मांग बाटे लोगन के बताई, लोग जानस कि किसानन के साथे जाति होता, ये हमने के बताई जी। किसानन के साथ बहुत बड़ जाति होता, किसानन के साथ बहुत बड़ा बड़ा स्कैम कइल बा आ कइल जाता, जहाँ जहाँ ये लोग मौका मिलता वहाँ वहाँ स्कैम करता। अभी काल है एक चीज़ हमने के निकाल के लेके आनी जा, जब डीएम की यहाँ हमने के मीटिंग भई रहे यही से संबंधित, तो कहाँ कैला कहलन कि ना 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 कोनो एमवीआर चेंज नहीं के भाई। लेकिन काल एगो हमने के पत्र मिलल, ओह पत्र के अनुसार 13 के बाद 14 में भी कैले बण लोग MVR चेंज, आ वो MVR में का कैले वहाँ वहाँ स्कैम करता। अभी काल है एक चीज़ हमने के निकाल के लेके आनी जा, जब डीएम की यहाँ हमने के मीटिंग भई रहे यही से संबंधित, तो कहाँ कैला कहलन कि ना 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 कोनो MVR चेंज नहीं के भाई। लेकिन काल एगो हमने के पत्र मिलल, ओह पत्र के अनुसार 13 के बाद 14 में भी कैले बण लोग MVR चेंज, आ वो MVR में का कैले बण 19 गो मौजा के रेट रहे 1,00,000, तो ओकरा के केहू के 90,000 कैले बण, केहू के रेट रहे 1,60,000, तो ओकरा के 1,25,000 घटा के कैले बण। कहीं जमीन के रेट जौन बढ़ जाता वो घटे वाला बा, केहू बता दी घटी ना? लेकिन इनकर कलम ऐसा बा हमारे डीएम साहब के ओहू के घटा देता, लेकिन जहाँ बढ़ावे के बा वहाँ नहीं खन कहता ना हमारे पास तो पावरे नहीं है, ये ऐसा डीएम बढ़। इनका के साफ लिखल बा 26(1) में, धारा 26(1) के अनुसार कि डीएम ओकरा के प्रकालित राशि है बाजार के अनुसार देख सुन के ओकरा के बनाई। लेकिन ई का कैले बड़न कि जौन सही बा डीड रजिस्ट्रार ऑफिस से डीड निकाल के अवलोकन कल जला कि वर्तमान रेट में का रजिस्टरी भइल बा, तो जौना के ई खराब बा यानी कि जौन पहले के रेट में लिखता ओकरा के ई सही मानतन, आ जौन सही लिखल बा वर्तमान रेट में, हाँ वर्तमान रेट में लिखल बा, तो ओकरा के कहतन ई गलती बा, तो उनका सूझे बुझ के ई गलती बा कि जौन सही के गलत ठहरावतन आ गलत के सही ठहरावतन।
तो ए से हमने के डीएम से एक बार थोड़ा सा क्या जो योगा करा वाला रामदेव जी, रामदेव जी को योगा करोस और थोड़ा ध्यान लगाओस, दिमाग इनका ठीक हो खो और सही से किसानन के आंदोलन जो कैले बढ़न ओकर मांग के अनुसार वर्तमान दर पर मुआवजा दोस। अगर ना दिहन तो का करियन, एक ही काम करियन कि जौन 12 गो पंचायत बा, 12 गो मौजा बा, आस पास गाँव बा, एकरा से एसजेबियन से लड़ाई लगवा दीहन, लड़ाई लगवा के अपने भाग जेहन एसजेबियन बिचाव में फंस जाए। अच्छा, ये बीच में एसजेबियन के कौन अधिकारी से बात ना भेल? अधिकारी से बात भइल बा, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग हो बा, वो कहले बा कि जे सरकार कह दी हम देवे पर तैयार बनी, करोड़ों रुपया ओकर वीडियो बा, यहाँ के सीओ कहले बानी मनोज जी का मतलब के जे हमन के जिला पदाधिकारी अमन समिति हाँ सारा प्रशासन के गड़बड़ बा, एक में वही लोग के मिली भगत के। अब बताए एसजेबीएन एकदम तैयार बा भैया, वीडियो हमारे पास बा, सारे लोग के सामने वो कहले बा, सीओ कहले बा देखी उतना एक वायर हो गई जमीन चौकीदार ना लागल का है कि भाई किसानों के मांग रहे, हमने के आजो कहते हैं कि देवे खातिर तैयारे बन जा। अब तो कहल जाला भोजपुरी में कि सब तो हो गई और भेटी है खातिर तीत बहता, यानी कि सब हो गई बा, अब पुछड़ी खातिर मारा मारी होता। तो एकरा में जे बुद्धिजीवी रही, दिमाग के तनी तेज रही, तो ये काम करी कि यह खातिर तुरंत इकट्ठा होकर के बैठक बुला के समस्या के समाधान करा के काम के जो आंदोलन बा एक खत्म कराई और किसान के मुआवजा दिलवाई। लेकिन छोटका काम छोटा चीज खातिर लोग ऐसा विकराल कर दियन कि जननी है अभी ना देखी एगो जाना के पावर मिलल भाई, ये फोर्थ डी वाला नहीं रेलवे वाला था, रेलवे वाला में एक जना का कहल उनका के पावर मिल तो कहता ना ना हम तो अब परीक्षा लेब, अरबों रुपया सुहा करवा दलन लैकन के आंदोलन करा के। अगर वो गलत निर्णय ना ले ले रहतन तो ये काम ना होखित, वही तरह इो लोग करो यहन जा, आज कराओ चाहे कल कराओ। देखी संज्ञान ना लेला पर ये बोला, संज्ञान ना लेला पर इतिहासो बा कि भीष्म के आज तक से बोलेला कि तारा सामने चिरहरण भइल आ तू काहे ना कहलो, तारा पास सब पावर रहे, उन्हों के आज तक ले माफ ना कैल, वही तरह यहाँ लोग माफ ना हो भले ही कहीं चल जास, लेकिन माफी लेके निकल जा जइहन जैसा ही करके। अच्छा, 7 दिन से लगातार जो धरना प्रदर्शन हो रहा बटे, धरना प्रदर्शन में के कौन कौन अधिकारी आके रहा से बातचीत किया 7 दिन में? 7 दिन में कोई नहीं खे आई, एकरा पहले हमने के जहाँ जहाँ ये लोग कहले बा वहाँ वहाँ हमने के गोइल बनी जा, अब बात कैले बन जा, बात कैले के बाद लास्ट में डीएम साहब कहते हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो हमनियों के कहें कि जब तहारा अधिकार क्षेत्र से बाहर बा तो जहाँ अधिकार बा वो जगह करके पुटअप कर जा, वो तू चलो जैसे भी जाओ हमनियों के जाओ बातचीत करके ये बात के ख़त्म कर जा। लेकिन कहते हैं कि ना आप लोग नहीं जानते हैं, अब तो उनका अपन भाषा बा, पावर बा, जौन मन करी तौन बोल दियन। अब तो एक दिन हमने को वो दिन कहें कि आप लोग पागल जैसे बात करते हैं, किसान के पागलों बनावे लगलन, किसान के मसीह समझे किसान बात के कहल के कहल पागल। ये महाराज डीएम साहब कहने समय अमर समीर है ना, ये आई काहे खाती देखी जौन एसजेबियन बा वो 34 लाख या 36 लाख कितना है जी, 36 लाख रुपये एकड़ के अनुसार मुआवजा देले बा, जो अपना पत्रिका में बा या पत्रिका में अपना घोषणा पत्र में देले बा भैया देख ली 36 लाख के कहले बा, ठीक ना 36 लाख देख लीजिए 36 लाख है, 36 लाख 63,025 36,32,000 513 हाँ ए अब मिलल बा हमने के 28 लाख। तब जान जाए कि बीच में जोन बा कितना हो गया 6 और 2 8 8 लाख के हेरा फेरी सरकार प्रशासन मिलके किसान के साथ कैले बा। देखिए हित के बात जब करेला, हित के बात करी तो चाहे नेता हो गो चाहे प्रशासन हो गो, कल हम तो सबका हित देखा तनी, हम सबका हित खातिर बैठल बनी। 8 लाख रुपया प्रशासन मने घोल घोल माल कर दिल गोल, दोनों मिल के गोल, पहल का जो अधिग्रहण हुआ है उसमें दोनों गोल हो गया है। 36 लाख रुपया दिखा रहा है, साफ लिखा है कि 36 लाख रुपया एकदम बिल्कुल उनके तरफ से गलत है। ये जब पत्रिका जब हम लोग दिखाए डीएम साहब को, हाँ एसजेबीएन का है, जब हाँ एसजेबीएन का पूरा
SJVN के ही अपन पत्रिका बाटे, SJVN के पत्रिका में ही देखावल बाटे कि 36 लाख के मुआवजा किसानन के दिल बा, 32523 और ऐजा 36 लाख रवा के 32513 में ई कइल बाटे, मुआवजा दिल बाटे। लेकिन अगर प्रशासन के बात कइल जाए तो प्रशासन यहाँ सबके मात्र 28 लाख रुपया दिले बिया, 8 लाख के लोग गोलमाल कल बन गबन कल बन कैग सपोर्ट कइले बा। सीएजी जो रिपोर्ट बना उ कैगो सपोर्ट कइले बा कहले बटे कि नहीं, ये गबन एकदम सही कइले बा, अपना रिपोर्ट में दिले बा। कैग वाला रिपोर्ट भी हम लोगों के पास बटे, वो हमने के रहुआ सबके दे सके। अच्छा, मुआवजा के मांग पूरा नहीं होकर तरह सब का करब ई बताइए आगे। देखिए मुआवजा के मांग अगर पूरा ना हो तो उनको रेल कॉरिडोर और वाटर पाइपलाइन सपनों में ना बने देव जा अन्ना, इनका धुआं निकल देंगे। हम लोग ज्यादा सही मुआवजा नहीं देंगे, हम लोग अपनी मुआवजा जमीनें नहीं देंगे, क्योंकि ये पूरे हाई नेशनल पर हम लोगों का जमीन है, उसकी कीमत 40,000-50,000 के रेट से दे रहे हैं। आप बताइए उचित है क्या? उचित नहीं क्या? तो हम लोग गलत हमने के गलत मांग करत हो जाए तो करा खातिर जो से बोल सकते नहीं जा, नहीं तो सही मुआवजा दिया दे दे सब हमके। बाकी कोई किसी से खिलाफत नहीं है और ना ही हम लोग किसी के गैर कानूनी काम करना। जी बिल्कुल, हमारे हृदय नारायण सिंह पर धरना दल कदम कला हक खातिर ना हक खातिर हक हाँ हक हमिके मिले के चाहे जौन गोल बा धन तौन ना के कौन बात के लेके रहा धरना पर बैठल बनी रे खेत वाला पैसा के लेके मांग तो ई बा कि जौन पहले मेन कैंपस के जौन घोटाला भइल बा 8-8 लाख रुपए के ओके जांच करो आ जांच करके सूद सहित हमने के 2022 में चाहे 23 में पैसा देवे, पहला मांग। आ दूसरा मांग ई बा कि जो नयका रेलवे कॉरिडोर आ वाटर कॉरिडोर खातिर जमीन लेवल चाहता तो ओके MBR रिवाइज करके बाजार मूल्य के आधार पर 2023 के अनुसार 2022-23 के अनुसार एकदम पूरा का पूरा इतना दे कि हमने के हर किसान के दिल खुश हो जाए, हमने के सहर्ष उ जमीन देवे के तैयार बन जाए, हमने के सहमति बा। तीसरका मांगी बा कि जो R&R पॉलिसी होला लैंड एक्विजिशन एक 2013 के अंतर्गत ओकर पालन करे। अभी आपके जानकारी खातिर बता दी कि हमने के टीम ही निकल ले कि 44 या 40 करोड़ रुपये 54 करोड़ रुपया वो R&R पॉलिसी खातिर निकाल चुकल भी है, आ लेकिन वो 54 करोड़ रुपया ठंडा बस्ता में धैल बटे आ ओकरा में सैकड़ों रुपया निकलत नहीं के, आ बक्सर में साहेब लोग के बैडमिंटन खेले खातिर कोर्ट बनता आ कवलदह पोखरा पर घूमे खातिर पार्क बनता, जमीन जाता हमनी के माई बाप बाप दादा के आ जनप के ओकर ले हल पैसा ओकर कमाई पैसा ले जाके ले जाता जा खर्चा कर कहीं खर्चा कर और ना तो पता चला था कि काजने कितना लाख रुपया प्रधानमंत्री के काजने कोना कोना कोष में जमा होता, जमीन हमनी के जल गई बा तो ओकर CSR के फंड होके तब चाहे R&R के पैसा होके तब वो हमनी के आ हमनी के एरिया खातिर खर्चा होके चाहिए। तीसरका मांगी बा कि न केवल जेकर जमीन गई बा वही खातिर नहीं, जवन हमनी के खेती पर आश्रित मजदूर रहसन वो मजदूर ले कोई लोग खातिर भी रोजगार और स्थायी नौकरी के व्यवस्था इनकरा करे के बा। आ चौथा मांगी बा कि एकर प्रभाव तौरी बा हमनी के वो दुश्मन जानता SJVN वाला दुश्मन जानता तो ओके हमें इजा से मंच से माध्यम से बता देते हैं आपके भोजपुरी चैनल का उ प्रशासन वाला चल तो जैसे लगा भले ली अगर दयाद संगे आ अगल बगल वाला संगे आ पड़ोसी संगे निक से ना रहल जला तो व्यवहार खराब हो जी तो न्योता हकारी कुल छूट जी आ न्योता हकारी छूट जी तब तो फिर बनाव ना हो पाए। उनका उपाय कही बा आजो आव ये माध्यम से हम कहते हैं चैनल के माध्यम से भोजपुरिया चैनल के माध्यम से कि तू आव हमनी ले डायरेक्ट बतियाव गैल जमाना ऐजा कि शासन प्रशासन के जौने दे देव 36 लाख आ ऊ दे दिया ना 28 लाख हमनी के लेके चुप हो जल जी अब ऊ बाजा ना बाजी बोला बोला मुरा बाबा तो हमनी के
कि का यहाँ सबके प्रॉब्लम बटे का दिक्कत बटे सब बात बैल हटे वहाँ सब बतने जाके 36 लाख रुपया मुआवजा के नाम पर एक्सेबियन दे दिले बटे लेकिन ऐजा यहाँ सबके किसान सबके मिलल 28 लाख रुपया जना के लेके अपन मुआवजा के लेके लगातार 7 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा बानी सब अभी प्रशासन 7 दिन के अंदर में अभी कौन प्रशासन यहाँ सबसे बात करे के नहीं खे आई तो हमार प्रशासन से कहना बटे कि प्रशासन आके यहाँ सबसे बात करे फिर से जैसे कि 7 दिन से लगातार जब से हो रहा बाटे धरना प्रदर्शन अधिकारी के आवे के चाहिए बातचीत करे के चाहिए अभी अधिकारी आयल निकन तो हम ये कहब कि अधिकारी आवास बातचीत करस फिर से बैठक होके बढ़िया से बातचीत होके में एक्सेबियन के लोग भी होकर और बाकी प्रशासन भी होके वो बात करके अपन एक सलटावे अगर ना सलटी है तो फिर से ये धीरे धीरे विकराल रूप ले ले जाता है किसान जन बढ़न अपन धरना के साथ साथ विकराल रूप भी पकड़ लिहन तो ओकरा से बचे खातिर प्रशासन अपन कुछ कड़ी अपनावे और लोगन के शांत करावे। फिलहाल रवा सा भोजपुरिया समाचार के साथ बनल रही, नमस्कार।